दोस्तों ये वीडियो नहीं 5 मिनट की है, नहीं 10 मिनट की, नहीं 15 मिनट की, नहीं 20 मिनट की, ये वीडियो सिर्फ 3 मिनट की है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, सेब खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है हमारे शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कर लीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है, शरीर में नया खून बनता है। सबसे पहले दिमागी कमजोरी दूर होती है और पढ़ने वाले बच्चे को दिमाग इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि कोई भी खाना में वो खाना खाए तो उससे दिमाग तेज़ नहीं होता है, और गाय का दूध भी पिलाएं। सवाल नंबर दो, दही हानि क्यों करने लगता है हम लोगों को खाने के बाद? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, की अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, दही खाने का नियम है, 1 केजी दही में समझिए कि 5-6 कली लहसुन और 1 या 2 हरी मिर्च को चटनी बना लें और थोड़ा सा नमक आधा चम्मच उसको मिला दें पूरा, और मिलाने के बाद में थोड़ा थोड़ा आप खाएंगे या ज़्यादा भी खाएंगे तो वो हानि कभी नहीं करेगा दोस्तों, ज़रूर खाएं ऐसे। सवाल नंबर 3, धनिया की चटनी खाने से क्या क्या फ़ायदा हमारे शरीर में मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कर लीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है, शरीर में कोई प्रकार की सूजन हमारे नहीं होती है, आँखों की रोशनी अच्छा रहता है, पेट की सारी कचरा गंदगी बाहर निकलती है। अगर माल भैंस का अगर शरीर में सूजन है हो जाए तो आपको धनिया का चटनी उसको ज़रूर खिलाएं। सवाल नंबर 4, मच्छरदानी नहीं लगाने से क्या हम लोग को नुकसान होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है, मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार सबसे पहले पकड़ लेता है और शरीर में खून की कमी हम लोगों को हो जाती है, तो तरह तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए 100-150 का मच्छरदानी जरूर लगा करके सोना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 5, चॉकलेट वाला सेब खाने से एक चिपटा कलर का सेब आता है, उसको किसको नहीं खाना चाहिए उस सेब को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे दोस्त मेरे भाई तुरंत और जल्दी करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, जिनको डाँढ़ पीठ में दर्द है, समझिए कि बाएं अंग में फालिस मार दिया है, उनको चॉकलेट या सेब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गोल कलर का होता है, थोड़ा सा चिपटा होता है, सुंदर लाल होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।